हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड द रोल ऑफ आईटी इन हेल्थ केयर सेक्टर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर आईसीटी टूल्स जो हैं ये कैसे डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं उसके बारे में। हम सभी को पता है कि आज के टाइम में जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधे हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता है, वो कुछ हमें बेसिक दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद हमें कुछ ढेर सारे टेस्ट लिखते हैं जब भी हम क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं या फिर इंटेंसिव सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ये सर्जरी करने से पहले या आगे की फर्दर ट्रीटमेंट करने से पहले हमारी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए ढेर सारे टेस्ट लिखता है। अब ये टेस्ट होते क्या है एक्चुअली में, दीज टेस्ट, इन सभी टेस्ट के अंदर कंप्यूटर मशीन्स यूज़ होती हैं, आईसीटी टूल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे पूरी बॉडी को मेज़र किया जाता है, यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके का डेटा कलेक्ट किया जाता है बॉडी से और उस डेटा को मैच किया जाता है परफेक्ट डेटाबेस के साथ। उस डेटाबेस के बिहाफ पे ही आफ्टर मैचिंग ही एक रिपोर्ट जनरेट होती है, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे ही डॉक्टर हमें आगे की ट्रीटमेंट करता है या फिर हमें सर्जरी के लिए कंसर्न करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, बहुत सारी मशीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स बॉडी के साथ अटैच करके बॉडी का जो है पल्स रेट देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, ब्रीथिंग रेट चेक करते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ब्लड में शुगर का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही इसके बाद अलग अलग तरीके से बॉडी की स्कैनिंग की जाती है। जैसे यहाँ पे सीटी स्कैनर यूज़ किए जाते हैं, एमआरआई स्कैनर यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है बॉडी के बारे में साथ ही साथ इनसाइड पेशेंट बॉडी क्या चीज़ें चल रही हैं किसी भी इंटेंसिव सर्जरी के पहले चेक किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स यूज़ की जाती हैं जैसे कि कैट कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन, एक तरीके की एक्सरे मशीन है ये, लेकिन इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल इमेजेस जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के यहाँ पे लिए जाते हैं। जनरली आप स्कैन कराते हो तो किसी एक साइड से स्कैन किया जाता है यानी कि एक्सरे लिया जाता है, लेकिन जब हम इस तरीके के एक्सरे का यूज़ किए करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी यानी कि अलग अलग एंगल से हमें और इवन क्रॉस सेक्शन की भी इमेजेस यहाँ से कैप्चर की जाती हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं फॉर द डायग्नोसिस। एमआरआई मशीन्स, ये काफ़ी कॉस्टली जो हम कह सकते हैं एक तरह की टेस्ट हैं, ये तब किया जाता है जब हमें बोन रिलेटेड कोई इशू होता है, जैसे कि हमें जॉइंट से रिलेटेड इशू है, हमें घुटने से रिलेटेड इशू है, तो यहाँ पे एमआरआई ही डॉक्टर प्रीफर करते हैं हमें, तो जॉइंट्स के लिए किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन क्या करती है, ये हार्ट बीट को मॉनिटर करती है। हमारा हार्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है जब भी ये बीट करता है, तो इन्हीं पल्सेस के बिहाफ पे ईसीजी जो है ग्राफ जनरेट करता है। उस ग्राफ को देख के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ग्राफ के फॉर्म में दिखाई देती है, ये डिस्प्ले करती है कि हमारे हार्ट की जो पल्सिंग है वो कैसी चल रही है, कैसी कंडीशन है हमारी, फंक्शंस की कैसी चल रही है। कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन, देखिए ये क्या करती है, ये मूवमेंट इनसाइड द हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर जो है कैसी मूवमेंट चल रही है इनको ये कैप्चर करता है। जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, थिनिंग ऑफ वेन्स हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे ईईजी मशीन। ये मशीन क्या करती है, ये हमारे जो पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन से टेस्ट करती है। हमारे ब्रेन के अंदर जैसे हार्ट के अंदर पल्सेस जनरेट होते हैं, वैसे ब्रेन भी हमारा कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो है ब्रेन के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, तो डॉक्टर्स को फाइंड करके हमारी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स अगर होती है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, ये तो कॉमन सी मशीन है जो आजकल सभी लोगों, मुझे लगता है कि मेडिकल सेंटर्स पे आपको आसानी से मिल जाएगी, इवन आप घर पे भी अब रख सकते हो। छोटी छोटी जो है हैंड वियरिंग, हम कह सकते हैं कि गैजेट्स के फॉर्म में, वियरिंग एसेसरीज के फॉर्म में आज के टाइम में शॉपिंग वेबसाइट्स पे अवेलेबल, तो यहाँ से आप ग्लूकोज मेजर कर सकते हैं कि आपके अंदर बॉडी में ग्लूकोज का क्या लेवल चल रहा है, शुगर चेक कर सकते हैं अपनी, या फिर आप इसके लिए करना क्या, आपको बस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड, सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, इसकी हेल्प से आप अपने ब्लड के अंदर शुगर का लेवल पता कर सकते हैं। इसके बाद बीपी मशीन चेक करना हो, रिस्टबैंड के फॉर्म में अवेलेबल है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि आजकल जो वियरिंग गैजेट्स भी आते हैं वॉच की तरह, स्मार्ट वॉच आ सकते हैं, उनके अंदर भी सेंसर्स लगा होता है जो आपका बीपी मेजर करते हैं, आपका जो है आपके फुटबॉक्स कितने आप करते हैं पूरे दिन में, कितना टहलते हैं, ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं, कितना कैलोरी आपने बर्न किया, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें भी मेजर कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एडवांस गैजेट्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में हमारे पास।